हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल लर्न एन सी आर टी विथ माधवी टूडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर फोर हीट क्वेश्चन नंबर वन स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसिस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर मीन्स लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर्स के सिमिलैरिटीज क्या क्या है और डिफरेंसेज क्या क्या है उनमें कौन सी कौन सी चीज़ें सेम है और कौन सी कौन सी चीज़ें अलग है

पॉइंट नंबर थ्री बौद्ध थर्मोमीटर्स ऑफ ग्लास एंड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब दोनों थर्मोमीटर्स के लॉन्ग नैरो ट्यूब ग्लास की लॉन्ग नैरो ट्यूब की रहती है और दोनों ही थर्मोमीटर्स ग्लास के रहते हैं पॉइंट नंबर फोर बल्ब ऑफ बौद्ध थर्मोमीटर्स कंसिस्ट ऑफ मरक्यूरी बौद्ध दोनों ही थर्मोमीटर के अंदर मरक्यूरी रहता है डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर पॉइंट नंबर वन यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर काउंट करने के लिए होता है पॉइंट नंबर टू इट हैज अ प्रिवेंट्स लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओवन इसके अंदर एक प्रकार की गाठ होती है जो कि मर्क्यूरी को खुद से नीचे गिरने के लिए रोकती है पॉइंट नंबर थ्री टेम्परेचर रेंज इज थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस टू फोर्टी टू डिग्री मतलब टेम्परेचर जो काउंट होता है वो थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस से लेके फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस तक काउंट होता है डिफरेंसेस ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर पॉइंट नंबर वन यूज टू मेजर टेम्परेचर इन द लेबोरेटरी लेबोरेटरी का जो भी टेम्परेचर रहता है जिस भी इक्विपमेंट का टेम्परेचर काउंट करना रहता है ये लेबोरेटरी टेम्परेचर से काउंट होता है पॉइंट नंबर टू डज नॉट हैव अ किंग इसके अंदर किंक नहीं होता है टेम्परेचर रेंज इन दिस थर्मोमीटर इज माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टू वन हंड्रेड एंड टेन डिग्री सेल्सियस इस थर्मामीटर में टेम्परेचर माइनस टेन डिग्री सेल्सियस से लेकर वन हंड्रेड एंड टेन डिग्री सेल्सियस तक गिन सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ़ द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट हीट के कंडक्टर कौन से कौन से हैं और इंसुलेटर कौन से कौन से हैं उसके दो दो एग्जांपल्स दीजिए आंसर एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स कंडक्टर्स के एग्जांपल्स है एल्यूमिनियम कॉपर एंड आयरन एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स प्लास्टिक एंड वुड क्वेश्चन नंबर थ्री फिल इन द आंसर ए हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जो हॉटनेस रहता है जो गर्मी रहती है वो गिनती किससे है तो गिनते हैं उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं टेम्परेचर सो आंसर इज सो आंसर इज द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटर बी टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज कैनॉट बी मेजर्ड बाय थर्मोमीटर Uh, किसी भी पानी का जो बॉइलिंग वाटर रहता है तो उसका टेम्परेचर किससे नहीं गिना जाता है तो उसका नहीं गिना जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर सो आंसर इज क्लिनिकल थर्मोमीटर सी क्वेश्चन नंबर सी टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री डैश तो टेम्परेचर जिस डिग्री में गिना जाता है उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं सेल्सियस सो द आंसर इज टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन नंबर डी

हीट इज़ ट्रांसफर्ड टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश तो एक ठंडा स्पून जो हमने एक गर्म दूध के कप के अंदर डुबो के रखा है तो तो उसके वन एंड से लेके जो डीप किया हुआ है उस वन एंड से लेके एंड तक हीट जो ट्रांसफर होगी उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन सो द आंसर इज अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क हीट इज ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एफ क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्व मोर हीट बेटर दैन क्लोथ कलर्स तो कौन से कलर के कपड़े हल्के रंग के कपड़े के अलावा ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो ज़्यादा हीट कौन से कपड़े करते हैं डार्क कलर के कपड़े सो द आंसर इज क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर क्वेश्चन नंबर फोर इज मैच द फॉलोइंग तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन दिए हुए सेक्शन ए सेक्शन बी तो उसमें अलग अलग दिए तो उन्हें हमें क्वेश्चंस दिए हुए उन्हें हमें मैच करना है फर्स्ट है लैंड ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग तो लैंड ब्रिज कब ब्लो करती है तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए ए समर बी विंटर सी डे एंड डी नाइट तो लैंड ब्रिज जो कि हमने लेसन में पढ़ा था तो उस हिसाब से वो नाइट में करती है तो लैंड ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग ड्यूरिंग नाइट सी ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग तो सी ब्रिज कब ब्लो करती है ब्लो ड्यूरिंग द डे तो सी है आंसर इसका सी डे थर्ड है डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग तो डार्क कलर के कपड़े हम कब पहनना प्रेफर करते हैं विंटर में तो आंसर इज बी विंटर लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग तो लाइट कलर के कपड़े हम कब पहनते हैं समर में द आंसर इज ए समर क्वेश्चन नंबर फाइव डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक मोटा कपड़ा पहनने से मतलब ठंडी के दिनों में हम अगर एक मोटा लेयर पहने कपड़ा पहने और इसकी जगह दो चार कपड़े पहने तो क्या फ़ायदा होगा कौन सा ज़्यादा हमें गर्मी पैदा करेगा तो आंसर है मोर लेयर्स ऑफ क्लोदिंग ड्यूरिंग विंटर्स कीप्स अ वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोदिंग बिकॉज एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन द लेयर्स मीन्स क्योंकि लेयर्स के कपड़े पहनते हो तो एयर जो है वो लॉक हो जाती है और रेदर देन सिंगल थिक कपड़े के तो इसलिए हम अलग अलग लेयर के कपड़े ज्यादा पहनना पसंद करते हैं सिवाय उसके एक मोटा कपड़ा पहनने के क्वेश्चन बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन तो यहाँ पे फिगर फोर पॉइंट थर्टीन में दिखाया गया है और दिखाओ आप एक फिगर दिखाई हुई है यहाँ पे तो उस पर आपको दिखाना है कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है बाय कंडक्शन से कैसे होती है बाय कन्वेक्शन से कैसे होती है और बाय रेडिएशन से कैसे होती है तो आपको ये सब फिगर में शो करना है उसके नेम देने हैं फिगर को तो फिगर यहाँ पे शो की गई है तो यहाँ पे दिखाया है कन्वेक्शन फर्स्ट हैंडल की तरफ हमने एरो दिखाया है तो हैंडल को जो हीट ट्रांसफर होगी वो होगी कन्वेक्शन से अंदर का जो पानी है बर्तन के अंदर का तो वो होगा कंडक्टर मीडियम से होने वाला है और रेडिएशन जो है जो बर्तन को जो हीट जा रही है वो रेडिएशन मीडियम से ट्रांसफ़र हो रही है तो ये सब इसके नाम हमने यहाँ पे शो किए हुए हैं फिगर में क्वेश्चन नंबर सेवन इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज डैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट एक्सप्लेन तो जो गर्म हवा के गर्म क्लाइमेट के जो घर होते हैं उनकी जो आउटर वॉल रहती है बाहर की जो दीवारें रहती है उनको वाइट कलर से पेंट किया जाता है तो ये एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों उन्हें वाइट कलर से पेंट किया जाता है आंसर ऑफ सेवन इज इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट बिकॉज वाइट कलर हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स टू रिफ्लेक्ट बैक मोस्ट एज वाइट इज अ पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट दिस हेल्प्स टू कीप द हाउस हाउस कूल तो इसका मतलब है कि वाइट कलर जो है वह हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है इसलिए घर गर की गर्म सीजन जो रहता है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ के घरों की दीवारों पर वाइट कलर पेंट किया जाता है ताकि घर के अंदर थोड़ी ठंडक रहे और घर को ठंडा किया जाए क्वेश्चन नंबर एट इज़ वन लीटर ऑफ़ वाटर ऐट थर्टी डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ वन लीटर ऑफ वाटर ऐट फिफ्टी डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ़ द मिक्सचर विल बी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ए 80 डिग्री सेल्सियस बी मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस सी 20 डिग्री सेल्सियस एंड डी बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक लीटर पानी जो है थर्टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का है और उसमें अगर फिफ्टी डिग्री सेल्सियस का एक लीटर पानी मिक्स किया जाएगा तो उसका टेम्परेचर कितना रहेगा तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए कि 80 डिग्री सेल्सियस रहेगा या 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा और 80 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा या 20 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा या 30 डिग्री एंड 50 डिग्री सेल्सियस के बीच का रहेगा सो द आंसर इज़ बिटवीन थर्टी डिग्री सेल्सियस एंड फिफ्टी डिग्री सेल्सियस डी जो ऑप्शन दिया गया है वो इसका आंसर है क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस हम पानी मिक्स कर रहे हैं तो वो बढ़ने नहीं वाला है 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम है पानी तो दोनों को मिक्स करने के बाद में जो जो टेम्परेचर आएगा वो इन दोनों के बीच का आएगा तो इसलिए आंसर दिया है डी बिटवीन थर्टी डिग्री सेल्सियस एंड फिफ्टी डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन नंबर नाइन एन आयरन बॉल एट फोर्टी डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट फोर्टी डिग्री सेल्सियस द हीट विल तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एक आयरन बॉल 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का है वो अगर एक मग है जिसके अंदर पानी है वो उस पानी का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है तो अगर उसके अंदर जाएगा तो उसका पानी का टेम्परेचर कितना होगा या कैसे फ्लो करेगा तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं फ्लो ए फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर तो फ्लो जो है वो आयरन बॉल से वाटर की तरफ जाएगा बी ऑप्शन दिया गया है नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू द आयरन आयरन बॉल क्योंकि ना ही आयरन बॉल से पानी की तरफ ही ट्रांसफर होगा और ना ही पानी का टेम्परेचर आयरन बॉल की तरफ ट्रांसफर होगा सी ऑप्शन दिया है फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल तो पानी का जो फ्लो है हीट फ्लो है वो आयरन बॉल की तरफ जाएगा डी है इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ डी में दिया गया है कि दोनों का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो यहाँ पे आंसर दिया गया है बी नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल क्योंकि बोथ ऑफ देम है सेम टेम्परेचर ऑफ फोर्टी डिग्री सेल्सियस क्योंकि दोनों का ही टेम्परेचर जो है वो सेम है इसलिए इन कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड तो अगर हम आइसक्रीम के अंदर एक स्पून डालेंगे तो उसका अदर एंड क्या रहेगा तो ऑप्शन दिए गए है ए बिकम्स अ कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन तो वो कोल्ड हो जाएगा कंडक्शन प्रोसेस से बी पॉइंट दिया है बिकम्स तो कोल्ड और C ऑप्शन दिया है becomes cold by the process of radiation, तो वो process of radiation से cold हो जाएगा। और ऑप्शन डी दिया है डज नॉट बिकम कोल्ड तो वो कोल्ड नहीं होगा ये डी ऑप्शन में दिया गया है सो द आंसर इज डी नॉट बिकम कोल्ड बिकॉज वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट तो यहाँ पे वो कोई ठंडा नहीं होगा क्योंकि जो वुड जो रहता है लकड़ी जो रहती है वो पुअर कंडक्टर रहता है हीट ट्रांसफर करने का सो आंसर डी है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इलेवन स्टेनलेस स्टील पैंस आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम्स द रीजंस फॉर दिस कुड बी दैट स्टेनलेस स्टील के जो पैंस रहते हैं यूजअली उनका जो बॉटम रहता है वो कॉपर का रहता है तो उसका रीजन क्या है उसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल कॉपर का जो बॉटम रहता है वो पैन को मोर ड्यूरेबल बनाता है स्ट्रांग बनाता है बी सच पैंस एपेयर कलरफुल वो पैंस को कलरफुल बनाता है सी कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील तो जो कॉपर है वो हीट को अच्छे से ट्रांसफर करता है दैन द स्टेनलेस स्टील डी कॉपर इज ईजियर टू क्लीन दैन द स्टेनलेस स्टील कॉपर जो रहता है वो स्टेनलेस स्टील से ज़्यादा इजीली क्लीन होता है तो यहाँ पे आंसर है सी कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन स्टेनलेस स्टील तो आंसर के हिसाब से समझ में आ जाएगा आपको कि स्टेनलेस स्टील से बेटर जो हीट कंडक्ट करता है तो वो है हीट का फ्लो इजीली जाता है वो है कॉपर है इसलिए स्टेनलेस स्टील के पैन के नीचे का बॉटम जो रहता है वो कॉपर से किया जाता है So, everyone, that's all for the day. If you like, please like, share, and subscribe to my channel. Bye bye.